नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर। मैं हूं आपके साथ खुशवस। चलिए देखते हैं आज के मेकअप के पिटारे में क्या है। शादी के दिन खूबसूरत दिखना हर लड़की का सपना होता है। इसके लिए कम से कम एक महीने पहले से रोजाना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ताकि आपको स्किन और बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज मैं आपके साथ 6 टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे शादी वाले दिन आपको स्किन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप नंबर 1, आपकी सूची में सबसे पहले फिटनेस होनी चाहिए। सही आहार और दैनिक व्यायाम से स्किन में चमक आती है। ताजे फल और ताजे फलों का रस, कच्चा सलाद, अंकुरित अनाज, दही, पनीर को अपने खाने में जरूर से जरूर शामिल करें। टिप नंबर 2, सैलून ब्राइडल मेकओवर के ऑफर देते हैं। उपलब्ध अच्छे पैकेजों के बारे में पता करें, ताकि आप पहले से ही अपॉइंटमेंट ले सके। ब्यूटिशियन से पहले अपने मेकअप के बारे में बात करें और बड़े अवसर के लिए सही हेयर स्टाइल के बारे में हेयर ड्रेसर से भी सलाह लें। सैलून कई तरह के मेकअप देते हैं, जैसे हाई डेफिनेशन, एयर ब्रश या सॉफ्ट मेकअप। टिप नंबर 3, नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए क्लिंजिंग क्रीम या सामान्य से ऑयली स्किन के लिए क्लिंजिंग दूध का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। अपनी त्वचा को दिन में 2 बार साफ करें। ऑयली स्किन के लिए विशेष क्लिंजर भी उपलब्ध होते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली और बेजान है या फिर ब्लैक हेड्स है, तो चेहरे को साफ करने के लिए आप स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करें। चेहरा साफ करने या धोने के बाद स्क्रब लगाकर स्किन पर हल्के हाथों से मसाज करें और फिर स्किन को ठंडे पानी से धो लें। टिप नंबर 4, सप्ताह में 2 बार सिर और बालों पर बादाम का तेल गर्म करके जरूर लगाएं। गर्म पानी में एक तौलिया डुबोएं। तौलियों को निचोड़कर गर्म नम तौलियों को अपने सिर पर लपेट लें। इसके आधे घंटे तक लगा रहने दें और फिर बालों को धो लें। टिप नंबर 5, अगर आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाना चाहती हैं, तो बेहतर होगा कि इसे शादी से 1 या 2 दिन पहले ही करा लें। यदि आपने कभी थ्रेडिंग नहीं की है, तो शादी की तारीख के आसपास ना कराएं, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किन पर लाल दाने भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की। शादी से 1 दिन पहले अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाएं, उसके बाद मेहंदी लगवाएं। ब्यूटी पार्लर में मैनिक्योर और पेडिक्योर कराया जा सकता है। इसके लिए अपने पास पर्याप्त समय रखें, ताकि आप अपने हाथों और पैरों की मालिश कर सकें। इससे न केवल आपकी त्वचा अच्छी होगी, बल्कि आपको आराम भी मिलेगा। तो ये थी आज की 6 टिप्स और ट्रिक्स। कैसे लगी आपको ये टिप्स और ट्रिक्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तब तक के लिए नमस्कार।